ये खेला हो भी ओवे करेगा कोई, अब खेलने के लायक नहीं है, खिलाड़ी थोड़ी है, अब तो सठिया गए। पहले बुढ़ा से रहे, पहले सुनते थे फुटबॉल का खेला होता है, क्रिकेट का खेला होता है, अभी कौन खेला हो रहा है, ये गंदा खेला शुरू से है। बाप बेटा साथे बैठे गए वहां गांजा भांग खूब उड़ाते हैं, कहते हैं परिवार में जल और क्या क्या नल जल दिए, कहां से ला करके दिए, ये कल्याण विकास ला करके नल जल दिए, अरे कल्याण विकास ला करके नल जल, एक हेलीकॉप्टर हमारे नेता तेजस्वी यादव का उड़ रहा था क्षेत्र में, इनका 25-30 जेट विमान लेकर के उड़ रहे थे, पानी पिला दिए ना, बेटा है वो किसान के बेटा है कि सकनी चौधरी के बेटा है, सकनी चौधरी क्या थे, राजनीति नहीं करते थे, विधायक नहीं थे, मंत्री नहीं थे, पशुपति पारस, राम के पूजा, राम कहाँ नहीं है, जहाँ यहाँ पर बैठे यहाँ पर राम नहीं है, सबके दिल में राम है, राम में सबको आस्था है, कुंज राम वो मोदी जी का मंदिर है, कहा मोदी जी रोक देंगे इन लोगों को जाने से मंदिर में, तो कहा थे कि हम ले ले राम पे, वो तो बड़ी चीज, फोटो देखा था ना मोदी जी का रैली, महा रैली के बारे में कहेंगे, देखिए एकदम अपार भीड़ है, गरीब रैला जो हमारे आदरणीय लालू यादव जो किए थे, उसको भी महारैली जो है लालू यादव के पुत्र जो है तेजस्वी यादव ने, अपने बाप के रिकॉर्ड का किसी ने तोड़ा तो उसका बेटा तोड़ा तेजस्वी यादव, पूरा सफल है, पलटू चाचा देख करके उनकी बुखार एकदम 103-104 डिग्री बढ़ा हुआ होगा पलटू चाचा का, अब मैं पलटू चाचा के जिला से आता हूँ, नालंदा जिला का हूँ, सिलाओ तभी उनको सपोर्ट ना कर रहे हैं, कोई नहीं सपोर्ट करता, वैसे आदमी को कौन सपोर्ट करता है, जिसका बाप माए का बाल बच्चा जब बिगड़े निकल जाता है, जिसका कोई इमेज नहीं है, उसको कौन सपोर्ट करता है, गांव में कोई सपोर्ट करता है किसी को, कोई नहीं सपोर्ट करता हमको, कोई नहीं, अब एक जीरो पर उठोगे, नालंदा जिला में उनका जमानत जब्त होगा, वहाँ राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी भी आज के इसके बाद जो है उनको छोड़ने जा रही है, बाय बाय, जी हाँ, आज तेजस्वी के रैली के बाद कल देखिएगा कल नजारा, भाजपा उनको बाय बाय कर देगी, चलो खेला होगा एकदम पूरा खेले खेला हो भी होवे करेगा कोई, अब वो खेलने के लायक नहीं है, खिलाड़ी थोड़ी है, अब तो सठिया गए, पहले बुढ़ा से रहे, पहले सुनते थे फुटबॉल का खेला होता है, क्रिकेट का खेला होता है, अभी कौन खेला हो रहा है, ये गंदा खेला, इसे गंदा खेला, गंदा खेला कहते हैं, इसको गंदा खेला करते हैं, 18 साल 17 साल में जो माननीय मुख्यमंत्री अभी भी मुख्यमंत्री वही हैं, जो नहीं कर पाए उसको युवा सम्राट राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव ने करके दिखा दिया, इसी गांधी मैदान में एक विभाग में एक दिन में 2,00,000 नियुक्ति पत्र, सरकारी नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया, इसी से हताश निराश है माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या इस बार लोकसभा में 40-40 सीट लाएगी, बिल्कुल महागठबंधन लाएगी, तो कल मोदी जी दावा करके गए, अरे मोदी ये जुमलेबाज का, फिर आप जुमलेबाज का बात कर रहे हैं, मोदी मोदी वो तो जुमलेबाज है, वो तो झोला उठावेगा चल, वो तो पहले ही कह दे कि हम झोला उठावेगा चल देंगे, वो कहाँ चल जाएगा, पहले से भेजा हुआ है अपना विदेश में, उनके अदानी अंबानी लोग सब है ना, यहाँ झोला उठावेगा वहाँ चल देगा, लालू यादव का हुंकार है, लालू यादव का हुंकार, इसके हुंकार से तिल मिला जाएंगे उन लोग विरोधी खेमा, तो कल मोदी जी कह रहे थे कि 40 में 40 आंसर, अरे भाई जुमला मोदी जी बोले थे ना कि 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, वो तो 15 लाख रुपए 15 लाख रुपया कहीं था ना, किसान का दुगना आय करने के लिए कहीं था ना, अब बाद में क्या बोले उनके गृह मंत्री अमित शाह, अब खाद महंगा कर दे, नहीं क्या बोले उनके अमित शाह, आपने बताइएगा कि तो जुमला था, वो जुमले का जुमले पार्टी के आदमी है, नफरत फैलाने वाले आदमी है, मंदिर मस्जिद करने वाले आदमी है, हम लोग जो है हम लोग एकता में बंधने वाले आदमी हैं, हम लोग हर जाति हर धर्म का सम्मान करने वाला जो पार्टी है वो उसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन, जी इस बार राम मंदिर के नाम पर बड़ी वोट ली, कौन राम मंदिर के नाम पर, राम के पुजारी हमारे जितने लोग हैं ये सब राम के पुजारी, राम कहाँ नहीं है, जहाँ यहाँ पर बैठे यहाँ पर राम नहीं है, सबके दिल में राम है, राम में सबको आस्था है, कुंज राम वो मोदी जी का मंदिर है, कहा मोदी जी रोक देंगे इन लोगों को जाने से मंदिर में, तो कहा थे कि हम ले ले राम पे, वो तो बड़ी चीज, फोटो देखा था ना मोदी जी का, राम जी के मंदिर के उद्घाटन से 4 दिन पहले फोटो आप लोग सोशल मीडिया पर देखे थे ना, राम जी का फोटो थोड़ा छोटा ऐसा अपना अपना ही है, मैंने अपना बड़का गो, अब बताइए हम जिला और नालंदा जिला के महासचिव है, आदरणीय तेजस्वी यादव का फोटो छोटा कर दें अपना फोटो बड़ा कर दें, ये क्या संकेत जाता है, क्या संकेत जाता है, वो हमारे नेता ना है जी, सर्वमान्य है जी, इसलिए पूरे हिंदुस्तान में लालू यादव का टक्कर लेने वाला कोई नेता भी इस दुनिया में नहीं है, है ना, वो सामाजिक न्याय का पुरोधा है, गरीब गुरबों का, देखते हैं मुन्नी रजक, मुन्नी रजक का नाम सुना है ना, उसको देखिए MLC बना करके भेज दिए, अच्छा
वो बेचारे यहाँ कपड़ा धोती थी, आयरन करती थी, लालू यादव ने उनको विधान परिषद का सदस्य बना दिया। तो इस सम्मान देने का काम जो है सिर्फ लालू यादव तेजस्वी यादव करता है। और ये आने वाला जो 2024 का चुनाव है लोकसभा, देखते रहिए क्या क्या होता है, हर जगह वो शिकस्त खाएंगे। विधानसभा में कहते 400, अरे विधानसभा में कोई खिस्सा है? कोई खिस्सा नहीं है। तो चलिए हमारे जिला में तुम कहते कि बीमार पड़ते हैं तो राजगीर जाते हैं, अभी राजगीरों में उनका इलाज नहीं होगा। राशन देख दिया राजगीर का नाम सुने हैं? सुने हैं ना। वो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मेरा गृह जिला है। अच्छा, जब यहाँ से भागते हैं तो राजगीर हो जाते हैं। अच्छा, राजगीर का अनुमंडल का दर्जा किसने दिया? पहले हम लोग का बिहार शरीफ अनुमंडल हुआ करता था। लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे राजगीर को अनुमंडल बना दिए। अच्छा, बेन का नाम सुने हैं? जहाँ से श्रवण कुमार आते हैं, श्रवण कुमार का गाँव छोटा सा गाँव है, देहात है ना, वहाँ लालू यादव थे तो मुख्यमंत्री थे तो वहाँ ब्लॉक बना दिए। सिलाव जहाँ खाजा है बिकता है वहाँ ब्लॉक बना दिए। कतरी सराय जो नीतीश कुमार कहते हैं कि मेरे स्वजाति का गढ़ है, वहाँ लालू यादव ने ब्लॉक। नल और जल और क्या क्या नल जल दिए, कहाँ से ला करके दिए? ये कल्याण विभाग से ला करके नल जल दिए, और वो कल्याण विभाग से ला करके नल जल दिए हैं। नीतीश जी ने, नीतीश जी दिए हैं वो। हम लोग जो टैक्स में देते हैं पैसा, हम लोग कहते कि हम दे लिए। तो वो अपने से कहते कि अपने से कहते हैं मोदी जी, आप अपने से कहते हैं औरंगाबाद में यही विकास करते हैं। बेटा के विनाश कर दिए, अपने विकास पुरुष कहला रहे हैं, और वो विनाश पुरुष है। बाप बेटा साथ बैठ कर वहाँ गांजा भांग खूब उड़ाते हैं, कहते हैं परिवारवाद परिवारवाद जातिवाद। ये लोग पहले कहते थे लालू यादव को जातिवाद, अब कहना शुरू किए हैं परिवारवाद। तो पूछिए ना, भाजपा के जो अध्यक्ष है सम्राट चौधरी, कौन किसान के बेटा है? वो किसान के बेटा है कि सकनी चौधरी के बेटा है? सकनी चौधरी क्या थे? राजनीति नहीं करते थे, विधायक नहीं थे, मंत्री नहीं थे? पशुपति पारस, ये राजनाथ सिंह का बेटा, ये जो तड़ी पार अमित शाह जो है उनका बेटा, कौन सा खेल खेला है, कौन सा खिलाड़ी है वो जो BCCI है, ACCI का चेयरमैन बना हुआ है? इसलिए ये सब जुमलेबाज से कुछ काम चलने वाला नहीं है। पूरा खचा खच, पूरा पटना रैली में हो गया है। गांधी मैदान क्या, पूरा पटना जहां भी जाइए पूरा पटना रैली में है। तो इस बारे में भाजपा भगाओ जो तेजस्वी यादव जी बोले कि भाजपा को भगा दिया कि भाजपा भगाओ, कितना बार भगा मैं, भगा दिया हम लोग, भगा दिए एकदम खदेड़ दिया। अच्छा, हाँ आपका कहिएगा, कहना तो है कि ये रैली बता रही है, ये तेजस्वी यादव का आह्वान पर ये रैली बता रहा है कि अब की भाजपा और जदयू के NDA गठबंधन को दाल गलने वाला नहीं है, चाहे वो जिस तरह के प्रलोभन दे ले उनका कुछ चलने वाला नहीं है। अब की बार आर पार महागठबंधन की सरकार, महागठबंधन की सरकार नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी को भी केंद्र से नीचे आना पड़े, राजगद्दी छिन जाएगी। क्रांतिकारी नेता को अभी तेजस्वी यादव को लाना, लाना तेजस्वी यादव 2015 ही से डिप्टी CM थे। अभी लाना कहाँ है उनको? अब तो CM का उनको ताज पहनाना है 2025 में। लाना कहाँ? एक तेजस्वी पूरे को आप देखे थे ना विधानसभा चुनाव में 2020 के, एक हेलीकॉप्टर हमारे नेता तेजस्वी यादव का उड़ रहा था क्षेत्र में, इनका 25-30 जेट विमान लेकर के उड़ रहे थे। पानी पिला दिए ना, इस बार भी तो उड़ते हैं, पानी पिला दिया ना उनको। बिहार के सबसे बड़ी पार्टी कौन है? राष्ट्रीय जनता दल, उसका नेता आदरणीय लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, सामाजिक न्याय, ये हमारा जनता मालिक सब आए हुए हैं, इन्हीं के हाथों में है। और ये अभी जो हम लोग जो है ना, ये जो मशीन वाला खेल की ना, टीटा जहाँ दवाई कमरे में जाएगा वो सब टीटा से अभी काम नहीं चलेगा, है ना। अभी हर हालत में राष्ट्रीय जनता दल जीतेगा तो जीतेगा। और बाकी जो है तेजस्वी यादव जी के बारे में क्या सोचते हैं तमाम नेताओं का जवाब कैसा है आप सभी जरूर बताएंगे। जय हिंद। बड़े अच्छा जवाब दोनों पूरा।